11 अप्रैल को संत आशाराम बापू का 87वां अवतरण दिवस पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बापूजी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में अनेक तरह के सेवा कार्य होते हैं। देश में कई जगह भंडारे होते हैं, कहीं शरबत वितरण, कहीं छाछ वितरण, तो कहीं गरीबों में अनाज बर्तन आदि का वितरण किया जाता है। कई जगह संकीर्तन यात्रा निकाली जाती है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में भी विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सर्वधर्म पुल से नालंदा को हायर सेकेंडरी स्कूल तक निकाली गई। इस यात्रा में बापूजी के हजारों भक्त सम्मिलित हुए। यात्रा में सभी भक्त संकीर्तन पर नाचते हुए चलते रहे। यात्रा के अंत में बापूजी की आरती की गई, तत्पश्चात सभी को भोजन कराया गया। बापूजी के साधक एवं युवा सेवा संघ के अध्यक्ष सुनील पाटीदार जी ने बताया कि प्रतिवर्ष ऐसी विशाल यात्रा भोपाल में निकाली जाती है। 11 अप्रैल को बापूजी का 87वां अवतरण दिवस है। यह अवतरण दिवस पूर्ण हर्षोल्लास से आश्रम में मनाया जाएगा। आश्रम में 11 बजे से श्री आशारामायण जी का पाठ होगा, तत्पश्चात श्रीचरण पादुका यात्रा निकाली जाएगी एवं पादुका पूजन किया जाएगा। 12 बजे बापूजी का अवतरण जन्म हुआ था। 12 बजे ही 88 दीपक जलाकर जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भजन कीर्तन, सत्संग होगा, आरती के पश्चात भंडारा होगा। आज परम पूज्य संत सतगुरुदेव आसाराम जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे बापू निर्दोष होते हुए भी 10 साल से जेल में हैं और जो अपराधी वर्ग है वो बाहर घूम रहा है। बापू जी ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे सभी वर्ग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी का फायदा हुआ और सभी के बच्चे एक अच्छे संस्कारवान बने। परंतु कुछ विधर्मियों को ये उचित नहीं लगा और साजिश के तहत बापू जी को फंसाया गया और सभी को जमानत या बेल जिसको कहते हैं या सभी के वो मिल गया अपनी, परंतु बापू को एक दिन के लिए भी जो है जेल से रिहा नहीं किया जाता, क्योंकि उनको डर है कि यदि बापू बाहर आ जाएंगे तो मिशनरी का जो है समय जो देश में दलदला चल रहा है वो उनका बंद हो जाएगा। और बापू जी के भक्त अभी भी निश्चित हैं और बापू जी के लिए समर्पित हैं। बापू जी समस्त वर्गों के लिए भलाई चाहते हैं, चाहे उन्होंने मातृ दिवस चलाया, तुलसी पूजन दिवस चलाया, गरीबों का भंडारा है, अभी भी बापू जी शायद सभी वर्ग को बंटवा रहा है, ऋषि प्रसाद हो गए, युवा सुरक्षा हो गए या अन्य जो धार्मिक पुस्तक है उनको वहाँ, जिससे मनुष्य एक बार ही पढ़ लेता है तो अपने जीवन सुधार लाता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। और हमारे बच्चे भी अगर ऋषि प्रसाद अन्य जो साहित्य पढ़ रहे हैं वो उनमें कोई ना कोई जिसमान में सब बुराई है, पर साहित्य पढ़ने के बाद में वो 50 पर जाता है, कोई 25 पर जाता है, परंतु सभी लोग जो है उससे फायदा उठा रहे हैं। और इस फायदे को आज जो ये रैली जो है रैली का आयोजन किया गया है, कहाँ से लेके कहाँ तक ये रैली जो है ये सब धर्म से चालू होके ये नालंदा विश्व स्कूल है बाजहर पास ललिता नगर वहां तक जाएगी और बीच में लौट के दूसरा स्कूल है वहां पर समापन करेंगे। बापू कहाँ हुए? बापू का अवतरण जो है वो पाकिस्तान में हुआ था, बापू जी का अवतरण पाकिस्तान में हुआ था गांव में, परंतु बापू जी जो है छोटी सी उम्र में लगभग जो है 4 साल की उम्र में इंडिया में आ गए थे। जनता को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप ये रैली निकाल? हम जनता को ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि देखो हमारे बापू जी निर्दोष हो चुके जेल में हैं और अपराधी जो घूम रहे हैं और सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बापू जी को तत्काल रिहा किया जाए जिससे जो है समाज सब वर्ग का अच्छा हो गए। आपका नाम बता दें? अशोक कुमार मालवी, रिटायर्ड एसपी पूज्य गुरुदेव से 1997 से जुड़ा हुआ हूँ और बापूजी से जब से मैं जुड़ा जब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और
मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ सतगुरुदेव की बाबूजी की कृपा से ही है, ठीक है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई हमारे बाबूजी निर्दोष हैं और उनकी निर्दोषता मतलब जग जाहिर है। हर व्यक्ति जो भी बाबू से नहीं जुड़ा वो आज की तारीख में ये कह रहा है कि भाई बाबू जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया गया है, इसी कारण उनको 10 साल चाहे जेल तक नहीं दी गई, एक दिन की पेरोल भी नहीं दी गई, ये तो। और मेरा सभी मीडिया वर्ग से भी एक निवेदन है कि भाई आप लोग सत्य को, आप तीसरा स्तंभ है आप हिंदुस्तान का, चौथा स्तंभ है, तो आप लोगों भी इस मुद्दे को थोड़ा उठाएं और भाई बापू जी को न्याय दिलाने में मतलब हम सभी साधकों की मदद करें। इतना ही मुझे शिकार हुए कि किसी धर्म के षड्यंत्र के शिकार हुए, दोनों धर्म का षड्यंत्र पॉलिटिकल दोनों ही। कौन लोग हैं जो बापू के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? अब मैं देखो जाहिर में नाम नहीं ले सकता, लेकिन दुनिया जानती है भाई कि पॉलिटिकल में आजकल पावर में कौन है, पावर में कौन है, कौन किसके समय में अंदर गए और किसके समय में बाहर नहीं आ रहे हैं, तो जो जिनका समय चल रहा है वही लोग जिम्मेदार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र मोदी। नाम बताने से पहले मेरे गुरुदेव को मैं बड़ा पास मेरा नाम दयावंती है और मैं बापू से जुड़ी हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आरोप हो रहा है वो सब जो है षड्यंत्र है और बापू किसी तरह से लोग कामयाब नहीं हो रहे थे उनको फंसाने के लिए, तो इसीलिए ये कानून बना है। ये कानून केवल और केवल बापू को फंसाने के लिए बना है क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने बहुत ही षड्यंत्र चलाए, बहुत किया। बापू के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए कि बापू ने गुरुकुल में बच्चों को मरवा दिया। एक साधारण से कोई स्कूल खोलेगा ना तो अपना नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा काम वो नहीं करेगा, लेकिन हमारे सदगुरु जो बच्चों को सुसंस्कार देते हैं उनको मारने के लिए नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन उससे क्या हमारे बापू को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या लगता है किसका षड्यंत्र है? षड्यंत्र है किसका है ये पता लगाना वकील का, जज का, सरकार का काम है, हमारा नहीं है, है ना। आप मीडिया वाले हो अगर तो ये पता लगाना, जैसे यहाँ पर आप आ गए ना पता लगाने, ऐसे आप पता लगाइए, है ना, ये आपका काम है, हमारा नहीं है। हम तो जो देख रहे हैं अन्याय हो रहा है। कोई संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? हम ये जो जनता को हम ये कहेंगे, हमारे जो सनातन संस्कृति इसको जो उसकी जड़ उखाड़ने के लिए जो लोग लगे हैं तो आप सावधान हो जाइए, है ना। जो आज एक संत को, इसके पहले भी संतों को और उसके पहले भी, क्योंकि आज जुगा से हमारी सनातन संस्कृति शुरू से ही है ना। जब मोहम्मद जी आए तो मुस्लिम धर्म चला। आज की रैली का उद्देश्य बताइए। हमारी रैली का उद्देश्य ये है कि हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जागो हिंदू जागो, हमारा धर्म खतरे में जा रहा है और लोग षड्यंत्र करके। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ले रही हो तो आप ही बताओ कि इस बापू के खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है? पूंजी पति कर रहा है, व्यापारी कर रहा है, व्यापारी कौन है व्यक्ति जो अधर्मी लोग है? ये राजनीति है और जो धर्म हमारे जो सनातन संस्कृति के विरोधी आज जुगा के चलते आ रहे हैं ना, उनकी ये कड़ियां ही हैं। ये बीजेपी है बापू के खिलाफ क्या? देखो ना, बीजेपी मैं कह सकती हूँ ना, मैं कांग्रेस कह सकती हूँ, मैं फिर यही कहूंगी कि ये पता लगाना सरकार का। क्या भगवान है क्या बापू के खिलाफ? जब दो पार्टी नहीं है तो है कौन खिलाफ? अच्छा, इसके पहले जो संतों को फंसाया गया था तो कौन के जिम्मेदार? वो जाके पुराना इतिहास पढ़िए ना।